हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले ये लॉजिक्स का वेब पेज, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पर मैंने एक फाइल बना के रखा है, project.html, project.css, ठीक है। और दो इमेज है, इन सबको मैंने एक फोल्डर में खोल लिया है, वो फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगा लूँगा, ठीक है। और टाइटल के नीचे मैं लिंक कर लूँगा किसे, css को, Ctrl+S टू सेव। उसके बाद मैं एक कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है, जिसे मैं क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक नैप बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक h2 लिखूंगा और h2 में यहां से कर लूंगा इसे कॉपी, Ctrl+C और यहां पर मैं Ctrl+S टू पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और लिख बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं ul डालूंगा, ट्यूबल के अंदर मैं एलाइज और फर्स्ट वन में होम, सेकंड वन में अबाउट, थर्ड वन में सर्विस और फोर्थ वन में क्या है, प्राइसिंग, और लास्ट वन में कॉन्टेंट, Ctrl+S टू सेव। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी डिप के अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा, ठीक है, लिस्ट वाले डिप के अंदर ही बटन बनाऊंगा। यहाँ पे टेक्स्ट जो है मैं वही कॉपी कर लूंगा, डेटा Ctrl+S टू सेव। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम CSS लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CSS वाले फाइल में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले CSS रीसेट कर लूंगा, मार्जिन 0, ठीक है, और मैं पैडिंग भी 0 कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं टारगेट करूंगा कंटेनर को, और मैं इसे विड्थ कर दूंगा 100%, हाइट में इसका कर दूंगा 100 VH, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं इसे URL दे दूंगा, और फिर मैं इसका बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा कवर, Ctrl+S टू सेव, ठीक है। इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में इसमें कलर कर दूंगा वाइट, Ctrl+S टू सेव, ठीक है। अब मैं टारगेट करूंगा नैप को, तो इसका विड्थ हम कर देंगे 90%, हाइट कर देंगे 50 पिक्सल, ठीक है, और इसे हम मार्जिन दे देंगे टॉप बटन से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो, डिस्प्ले कर देंगे हम इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन, और फिर अलाइन आइटम सेंड, Ctrl+S टू सेव। तो अब हम टारगेट करेंगे डॉट मैप के अंदर जो H2 है उसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें एक फॉन्ट फैमिली डाल देंगे, Ctrl+S टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे लिस्ट वाले डिप को, ठीक है, डॉट लिस्ट, तो हम इसका कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे लिस्ट के अंदर जो यूएल है उसे, ठीक है, डॉट लिस्ट के अंदर जो यूएल है उसे। तो सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स,
उसके बाद हम इसका कर देंगे लिस्ट आई नल कंट्रोल एस टू सेव। अब हम लिस्ट के अंदर जो यूएल है यूएल के अंदर जो एल आई है हम उसे पैडिंग देंगे ठीक है। डॉट लिस्ट लिस्ट के अंदर यूएल है टॉप बटन से जीरो लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल ठीक है कंट्रोल एस टू से। अब हम टारगेट करेंगे नैप के बटन डॉट नैप के अंदर जो बटन है नैप के अंदर बटन नहीं वैसे तो ये बेसिकली लिस्ट के अंदर बटन है तो हम उसे लिस्ट के उससे भी कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट कर देता हूँ लिस्ट के अंदर जो बटन है ठीक है। तो हम इसे देंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल ठीक है। और हम इसे मार्जिन लेफ्ट देंगे 20 पिक्सल का बॉर्डर हम इसका कर देंगे नन ठीक है। आउटलाइन भी हम इसका कर देंगे नन बॉर्डर रेडियस हम इसे देंगे 6 पिक्सल ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ब्लू ठीक है और कलर हम इसका कर देंगे वाइट। फिर हम फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करेंगे फॉन्ट साइज मीडियम और हम कर देंगे इसमें कर्सर पॉइंट कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे अपने पेज में और एक बार रिफ्रेश करेंगे ठीक है। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर लूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉजिक इसका मार्जिन ऑटो नहीं है ठीक है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे मुझे देखना है नैव ठीक है। नैव मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्प्लिट बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर इसमें मार्जिन ऑटो किया तब भी मार्जिन ऑटो नहीं हुआ। क्या करूँगा एक बार मैं इसके इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नैप को दे दूंगा ठीक है। आई थिंक मैंने क्लास यहाँ पे गलत लिखा है एनए बी इन नैप यहाँ पे मैंने हाँ बोला ना मैंने क्लास गलत दिया इसीलिए कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं देखूँ हाँ तो अब ये परफेक्टली सेट है ठीक है। यहाँ पे लॉजिक्स ठीक है यहाँ पे जो एल आई से वो है उसके बाद ये बटन है ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है अब हमें ये टैक्स ये दो टैक्स उसके बाद ये टैक्स इनपुट सर्च बटन और ये इमेज ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम ये नैव वाले डिप से बाहर आ जाएंगे ठीक है। उसके बाद हम एक और डिप बनाएंगे जिसे मैं क्लास कहूँगा मेन ठीक है। इस डिप के अंदर मैं दो डिप बनाऊंगा ठीक है एम हाइफन बॉक्स वन करके एक को मैं वन दूंगा एक को मैं टू दूंगा ठीक है। फर्स्ट वाले को वन और सेकेंड वाले को टू और मैं क्या करूँगा यहाँ सेकेंड वाले में इमेज डाल दूँगा ठीक है। यहाँ पर मैं आई एम जी इमेज डॉट कंट्रोल एस टू सेव ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक एच थ्री लिखना है ठीक है। एच थ्री में क्या करूँगा एच थ्री में यहाँ से कर लूँगा इसे कॉपी ठीक है कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट कंट्रोल एस टू सेव ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा एक पी टैग लिखूंगा और पी टैग का जो टेक्स्ट होगा मैं वो भी यहीं से कर लूँगा इसे कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट कंट्रोल एस टू पेस्ट राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ठीक है। इसके बाद मैं एक इनपुट लिखूंगा ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ठीक है और मैं इसे आईडी दे दूंगा सर्च ठीक है और यहाँ पे मैं इसे प्लेस होल्डर भी दे दूंगा ठीक है। प्लेस होल्डर में मैं यहीं से देख लेता हूँ क्या है टेक्स्ट जिप कोड और सिटी ठीक है। तो सेट आई पी जिप सीओडी कोड और CIDY सिटी ठीक है कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे सर्च का ठीक है कंट्रोल एस टू सेव ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे एक और डिप बनाएंगे डेटा के नाम से ठीक है। इसके अंदर हम तीन डिप बनाएंगे ठीक है। फर्स्ट डिप होगा नम ठीक है सेकेंड डिप होगा लाइन
थर्ड डिप होगा टेक्स्ट, कंट्रोल एस टू सेव। नम वाले डिप में मैं क्या करूंगा, पी टैग कितना 4 लिखूंगा, ठीक है 4, और यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा, ठीक है जो ये है 233521, ठीक है ये नंबर मैं उसमें डालूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट में 232 है ना, 232, सेकेंड वन में 521, ठीक है, और थर्ड वन में 1453, ठीक है 1453, और लास्ट वन में 32, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं स्पैन लिखूँगा, ठीक है स्पैन मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है इसे मैं लाइन बाय लाइन ले आ लेता हूँ। और जो टेक्स्ट वाले डिव है उसमें भी मैं एक पी टैग ही लिखूँगा, पी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और फर्स्ट वन में होगा क्लाइंट, ठीक है, और सेकेंड वन में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, थर्ड में सपोर्ट, और लास्ट वन में वर्कर्स। ठीक है कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम CSS लिखेंगे, किस किस के लिए, मेन के लिए mbox 1, mbox 2 और जो मे mbox 3 है उसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने CSS फाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले हम टारगेट करेंगे मेन वाले डिप को, ठीक है डॉट मेन। तो हम क्या करेंगे, इसका विड्थ कर देंगे 100%, ठीक है, हाइट कर देंगे 300 पिक्सल, और डिस्प्ले इसका कर देंगे हम फ्लेक्स, ठीक है कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे डॉट एम वन को, ठीक है डॉट एम हाइफन बॉक्स 1। तो सबसे पहले इसका हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका सेंटर, विड्थ हम इसका कर देंगे 50%, ठीक है, हाइट हम इसका कर देंगे 500 पिक्सल, और फिर हम इसे देंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हम इसे देंगे 50 पिक्सल, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे डॉट एम हाइफन बॉक्स 1 के अंदर जो पी है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका विड्थ कर देंगे 80%, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे लार्ज। उसके बाद हम इसे देंगे मार्जिन, मार्जिन हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे किसे, अब हम टारगेट करेंगे H3 को, डॉट एम हाइफन बॉक्स 1 के अंदर जो H3 है उसे, ठीक है। तो H3 का हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट साइज करना है 50 पिक्सल, फिर हमें विड्थ करना है इसका 80%, ठीक है, और फिर हमें इसे देना है मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, और फॉन्ट फैमिली कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे सर्च को, ठीक है, एम बॉक्स के अंदर जो हमने इनपुट डाला है उसे, ठीक है, डॉट एम हाइफन बॉक्स के 1 के अंदर जिसका आईडी सर्च है, ठीक है। तो हम इसका विड्थ कर देंगे 75%, ठीक है, हाइट कर देंगे 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज हम कर देंगे मीडियम, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम कर देंगे, यहाँ से हम चॉइस कर लेते हैं कोई भी एक सा। उसके बाद हम इसे देंगे पैडिंग, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर नन, ठीक है, और आउटलाइन भी इसका हम कर देंगे नन, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे एमबॉक्स के अंदर जो बटन है उसे, ठीक है, कंट्रोल बी, इसके अंदर जो बटन है
तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद हम इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, एक्स से हम करेंगे 465 पिक्सल, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे 63 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। उसके बाद हम इसे देंगे पैडिंग, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। उसके बाद हम इसे देंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, ठीक है, बॉर्डर नन और आउटलाइन भी नन, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर वाइट, ठीक है, और कर्सर पॉइंट कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके ये जो डेटा बनाया है हमने, डेटा को टारगेट करेंगे, नाम को, फिर लाइन को, फिर टेक्स्ट को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉट डेटा डॉट नाम, ठीक है। तो हमें इसका वर्ट करना पड़ेगा 100%, ठीक है। मार्जिन देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। और डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन कंट्रोलर्स टू से। अब नम के अंदर जो पी है हम उसे देखेंगे, ठीक है। उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है, कंट्रोल भी इसके अंदर जो पी है। तो हमें इसका फॉन्ट साइज करना है एक्स लार्ज, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे डेटा के अंदर जो लाइन है उसे, ठीक है, कंट्रोल वी नाम के जगह लाइन, ठीक है। तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा 77%, हाइट हम इसका कर देंगे 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन हम इसे देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल नहीं, इसे 15 कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसका कटेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेन सेंटर, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे लाइन के अंदर जो स्पैन है उसे, ठीक है, कंट्रोल वी इसके अंदर जो स्पैन है, तो हम इसका वर्ट कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। हाइट हम इसका कर देंगे 5 पिक्सल, और यहाँ पे हम इसे देंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे येलो, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे डेटा के अंदर जो टेक्स्ट है उसे, ठीक है, डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसका वर्ट कर देंगे 100%, ठीक है। फिर हम इसे मार्जिन देंगे टॉप बटन से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। उसके बाद हम इसका कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन ही हम अराउंड कर देते हैं, ठीक है, अराउंड स्पेस अराउंड, कंट्रोल एस टू से। अब हम टारगेट करेंगे डॉट टेक्स्ट के अंदर जो पी है उसे, ठीक है, कंट्रोल बी इसके अंदर जो पी है, तो हम इसका फॉन्ट साइज कर देंगे स्मॉलर, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार जाके अपने पेज को देखेंगे, ठीक है, ये है हमारा पेज। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ है, इसे हमें करना है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट और नंबर तो सही है, अभी ये भी नहीं सेट हुआ है, तो हमें ये भी सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इमेज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते अपने VS कोड में और सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइन में हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है ना, हम इसे कर देंगे स्पेस बिटवीन, कंट्रोल एस टू सेव, और पेज में जाएंगे। तो यहाँ पे लाइन परफेक्टली सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इमेज को सेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम आएंगे सबसे नीचे और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट एम हाइफन बॉक्स टू का हम करेंगे विड्थ 30%, ठीक है, और हाइट हम इसे देंगे 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और इनजस्टिफाइड कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम भी हम कर देंगे सेंटर, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब इसके अंदर जो इमेज है हम उसका विड्थ सेट करेंगे, ठीक है। डॉट एम हाइफन बॉक्स इमेज आई एम जी, ठीक है, इमेज नहीं है आई एम जी। तो हम इसका विड्थ कर देंगे 100% और हाइट हम इसका कर देंगे 500 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम एक बार अपने पेज में जाएंगे, ठीक है, और इसे हम रिफ्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये CSS प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार गो लाइव को डिसेबल करके रीसे इनेबल करूँगा, ठीक है। ये तो पहले वाला साइट था, ये अभी का साइट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 505 एंटर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसका इमेज का विड्थ और हाइट अभी भी सेट नहीं हुआ है, ठीक है। आई एम जी विड्थ होगा 100% और हाइट होगा इतना, ठीक है। एम बॉक्स टू, अच्छा यहाँ पे मैंने एम बॉक्स सेट किया है, एम बॉक्स टू देना है मुझे, ठीक है। एम बॉक्स टू, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं देखूँ अगर, हाँ तो ये परफेक्टली इमेज भी सेट हो चुका है और ये टेक्स्ट भी सेट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।